आपके कमरे की हवा अच्छी है या खराब, अब इसके जांच बिहार सरकार आपके घर आकर करने वाली है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्निश। बिहार में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब बिहार सरकार आपके कमरे की हवा को जांच करने के लिए आपके घर आने वाली है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने पटना के घरों और इमारतों के भीतर वायु प्रदूषकों के प्रकार और उनके प्रभावों की पहचान करने और इसे कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के वास्ते अध्ययन करने का निर्णय लिया है। एक तरफ जहां बीएसपीसीबी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा है कि ये अध्ययन सबसे पहले पटना में किया जाएगा, उसके बाद गया में किया जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर और अन्य राज्यों के कुछ शहरों में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने घरों और इमारतों के भीतर वायु प्रदूषकों के प्रकार और उनके प्रभावों की पहचान करने और इसे कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के वास्ते पटना में अध्ययन करने के लिए आईआईटी तिरुपति के साथ बातचीत जो है वो शुरू कर दी है। बिहार शायद भारत का पहला राज्य है जिसे घर इमारतों के भीतर वायु प्रदूषण अध्ययन कराने का फैसला किया गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पटना से होगी। पीसीबी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति के साथ उनकी बातचीत जो है वो जल्द पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि घर के अंदर वायु प्रदूषकों के प्रकारों की पहचान करने के लिए वायु की गुणवत्ता अध्ययन जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को अपने घरों के अंदर प्रदूषण के स्तर के बारे में पता होना चाहिए। शहर को विभिन्न छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर अध्ययन किया जाएगा। आधुनिक एवं सटीक तकनीक का उपयोग करके घरों और इमारतों के भीतर वायु प्रदूषण अध्ययन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कुछ घरों का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक वायु प्रदूषण को ज्यादातर बाहरी चिंता के रूप में माना जाता है, लेकिन अध्ययनों से ये पता चला है कि घर के अंदर भी हवा जो है वो प्रदूषित हो सकती है। कभी कभी तो बाहर की हवा से ज्यादा घर की जो हवा है वो खराब होती है। उन्होंने कहा है कि चूंकि पटना हाल ही में देश में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है रूप में उभरा है, इसीलिए हम इस अध्ययन की शुरुआत राजधानी पटना से पहले करने वाले हैं। देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा है कि घर के अंदर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रभावित समूह महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये अधिकतम समय घर पर बिताते हैं। घर के अंदर वायु प्रदूषक जो है वो बेहद ही ज्यादा संक्रमण रहता है, ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर जो है इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो एक तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में इसकी शुरुआत होने जा रही है, सबसे पहले वायु प्रदूषण की जांच राजधानी पटना के घरों और इमारतों से की जाएगी, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि घर के भीतर हवा जो है वो ज्यादा खराब है घर के बाहर की हवा से। अब इसको लेकर पटना में जो है वायु प्रदूषण के लिए जो अध्ययन किया जाएगा और कुछ घरों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर जाकर रिसर्च किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।